गियर दो गाड़ी का, गियर दो। गाड़ी हमारी डी में आ चुकी है, ठीक है। गाड़ी को छोड़ो, अब एक्सेलेटर छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, एक्सेलेटर दो, एक्सेलेटर दो। दोस्तों हमने गाड़ी जैक पे की हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हो। हमारा जो एनसी स्पीड सेंसर है वो नहीं चल रहा, हमने गाड़ी बेसिकली जो है जैक पे की है। दो एक्सेलेटर दो। हमारा जो एनसी स्पीड सेंसर है वो दोस्तों नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमारा फोर्थ गियर भी नहीं आ रहा। बात करने वाले हैं इसी में, हमारी जो है एंटी इनपुट स्पीड सेंसर चल रहा है पर आउटपुट स्पीड सेंसर नहीं चल रहा। आप यहाँ पर देख रहे हो फोर्थ नंबर शिफ्टिंग हमारी गाड़ी की नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। खलखलास, गाड़ी पार्किंग में कर दो, गाड़ी पार्क कर दो, ब्रेक मार कर गाड़ी पार्क करो। और हमारा कोड क्या बन रहा है उस कोड पर आज बात करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत है। हमारे आउटपुट स्पीड सेंसर जो होता है, जो गियर में लगता है, वो नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है एनसी रेगुलेशन सेंसर सर्किट P1730। इस पर काम करने वाले हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ चेक करनी है आपको, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आज आपके साथ। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। काम की शुरुआत के साथ हमने सबसे पहले ये तय किया कि हम इसका स्पीड सेंसर जो है इसका चेंज करके देखते हैं। तो स्पीड सेंसर आप जो है ये वाला जो पोजीशन आपको दिख रही है, जो सेल्फ के नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर, ये है आपका आउटपुट स्पीड। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है आपका इनपुट स्पीड। तो हमने किया क्या कि इस सेंसर को खोल करके हमने जो है इसकी जगह बदल दी, यानी कि इसको यहाँ पर लगा दिया, इसको यहाँ पर लगा दिया। बेहिचक जो है बदल सकते हो, क्योंकि दोनों सेंसर बिल्कुल ही सेम है, दोनों सेंसर बिल्कुल ही सेम है। अगर आउटपुट या इनपुट स्पीड में से कोई एक नहीं चल रहा है तो आप इसकी लोकेशन बदल करके फिर से लाइव डाटा में ये पता कर सकते हो कि ये गाड़ी का जो है सेंसर हमारा ख़राब तो नहीं है। दोबारा हम आ गए आपको लेकर के अपने वायरिंग डायग्राम पर। यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी वायरिंग डायग्राम जो है आपको हम अपने जो है स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, एक गया है हमारा पिन नंबर 26 पर और दूसरा गया है पिन नंबर 34 पर, कंप्यूटर के कपलर पर आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा किस पिन पर जो है इसकी जो है वायरिंग जाती है। इसमें एक ग्रीन वायर है, एक रेड वायर है, दोनों की लोकेशन आपको एग्जैक्ट बता दी जाएगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने ये किया, हमको लगा जब वायरिंग भी हमारी ठीक ठाक मिल गई, हमारा सेंसर भी सही मिल गया, तो चौथा हमने काम ये किया कि इसके अंदर देख पा रहे हो आप एक टर्बीन जो है फ्लाईव्हील लगी हुई है, जिसको ये सेंस करता है, यहाँ पर ये सेंस करता है। तो गाड़ी को स्टार्ट करके गियर को इंगेज करके यहाँ पर आप देखो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। इसको हमने जो है चला करके दिखाया, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये भी जो है गियर को शिफ्ट करने पर, डी पर जब हम डालते हैं तो ये मूव हो रहा है, यानी कि हमारे गियर के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात वहीं पर आकर फंस जाती है हमारे ECM पर कि ECM के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बात करेंगे उस पर। तो दोस्तों सारा कुछ करने के बाद जो है हम अब ऑन बेंच आ चुके हैं। हमने इसको रख दिया है 20K पर, ठीक है ना। और ये 512 नंबर रेजिस्टेंस को हम लोग एक चेक करने वाले हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है 5.07, इसकी जो है वैल्यू आ रही है। ये है आपका आउटपुट स्पीड और ये है आपकी इनपुट स्पीड, यानी कि एक वायर ये और एक वायर ये, यहाँ पर भी आपका 5.08 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 5.08 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 5.08 आ रहा है। ये हमने लिया है बेसिकली यहाँ से, ये वायर जो है इस होल के थ्रू बाहर से इधर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ECM मैंने बताया था, ये इससे आता हुआ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 223 नंबर रेजिस्टेंस है। ये भी हमारी इसकी वैल्यू सही है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को करना होगा इसको 200K पर, चूँकि ये 223 का है। तो इसकी भी आप देख रहे हो 21.8 आ रही है, सही है। और एक रेजिस्टेंस हमने देखा था यहाँ पर 116 नंबर, इसको करने के लिए जो है आप देख सकते हो यहाँ पर भी 0.9 आ रहा है। बेसिकली ये 20K पर हमको लगता है चेक होगा। ज़ीरो पॉइंट नाइन है और 311 नंबर की रेजिस्टेंस जो है चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कितना नंबर आता है। .0.343 ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा है गाड़ी का ECM, ये गाड़ी का ECM है,
तो सेम ऐसा ही ईसीएम मेरे पास एक और है, तो इसकी भी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, देखते हैं क्या है चक्कर। तो सबसे पहले आउटपुट स्पीड जो हमारा ख़राब है उसको देखेंगे, इसकी कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल सेम है, अगर थोड़ा अगर फ़र्क होता है तो कोई मसला नहीं है। 5.11 इसकी वैल्यू है, ये हमारा आउटपुट स्पीड और ये हमारी इनपुट स्पीड। यहाँ पर आप देखो तो ये है 5.09, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, कनेक्टिविटी भी हमारी बिल्कुल सही है। तो सारा मामला आकर रुक जाएगा हमारी इस वाली आईसी पर। दोस्तों ये आईसी हमारी है ख़राब, यानी कि इस ईसीएम की ये आईसी ख़राब है। तो हमारे पास एक ईसीएम पहले से है, तो हम लोग जो है इसका जो है इसकी आईसी निकाल करके हम इसमें डालेंगे, और आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर जो है गाड़ी हमारी सही हुई है कि नहीं हुई है, वापस गाड़ी को जो है हम लोग आ करके उस पर काम करके बताएंगे। क्योंकि हमारा ये गाड़ी इसका प्रोसेसर ख़राब है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, तो इसका हम लोग गेयर का जो है ये निकाल करके आईसी बदल करके आपको हम वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। अब हम लोग चले गए, सारा काम करने के बाद हमने दोस्तों ये आईसी बदल दी है। ये आईसी जो है ख़राब थी हमारी, हमने जैसा बताया था। अभी देखिए, अभी हमने कोड भी इरेस नहीं किया है इस कंप्यूटर से, हमने जो है इसकी आईसी दोस्तों निकाल करके चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर एकदम बिल्कुल डेड हो चुका है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है इस कंप्यूटर की, अभी ये ख़राब। हमने ऐसे बहुत सामान इसमें पहले से भी निकाल के बदल दिए हैं। तो अब हमने जो है ये आईसी, हमने दोस्तों देख रहे हो आप, थोड़ा पेस्ट लगा होगा, अभी हमने काम करके जस्ट लगाया इसको। इसकी वीडियो अगर मैं बनाता तो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पर आप देखो, चलो बाबू अब इरेस करो, कोड को इरेस करेंगे, आपके सामने सारा काम हो रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो वैसे ही चले जाना, और अगर पसंद आए तो यार दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो जो है शेयर कीजिए अपने टेक्नीशियन साथी के साथ, ताकि हमारी थोड़ी जो है सब्सक्रिप्शन मतलब बढ़ सके और थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए यार। यहाँ पर देखो हमारा सारा कोड आई थिंक क्लियर हो चुका है। बाबू लाइव डाटा में जाओ, दोबारा बैक आओ, लाइव डाटा में जाओ। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि थोड़ा हमारा स्कैनर जो है थोड़ा स्लो काम करता है। स्लो मतलब ये है कि थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन होने में थोड़ा प्रॉब्लम मतलब लेट होती है। हाँ एक काम करो, यहाँ से एंटी स्पीड लो, इंजन स्पीड ले लो। चलो रुको बता रहे, एक मिनट, इंजन स्पीड मत लो, यहाँ से आपको लेना होगा एंटी स्पीड और एनसी स्पीड। देखो लिखा होगा, हाँ स्पीड एंटी करो, ओके, शिफ्ट स्टेटस पे ओके करो, ओके, अब लास्ट वाला ओके करो, स्पीड एनसी। अब कर देना है इसको शो सिलेक्टेड। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए मेरे साथियों, तीन ऑप्शन आने के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो दो का जो है ज़ीरो है, हमारी गाड़ी फर्स्ट मतलब फर्स्ट में है, और एनसी ज़ीरो है। अब हम लोग करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, हमने गाड़ी की है बेसिकली जैक पर। अब एक चक्का इसका नाचेगा और गाड़ी की कितनी स्पीड आती है, कितनी शिफ्ट आता है, सारा चेक करेंगे। चलो बाबू गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इनसे ये हो गई हमारी ये गाड़ी स्टार्ट, और हमारा एक सेंसर जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आपके सामने ले रहे हैं गाड़ी डी पर। चलो गाड़ी ब्रेक लो, पहले हमारा चार नंबर गियर जो है चेंज नहीं हो रहा था। लो रिवर्स न्यूट्रल करो, फॉरवर्ड में लो, ठीक है ना, ये ले लिया हमने फॉरवर्ड में। अब धीरे धीरे हमारे जो है क्लच को छोड़ो, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत बहुत जो है दोस्तों। यहाँ पर देखो आप, हमारा स्पीड सेंसर स्टार्ट सेकंड में आया, थर्ड में आया, अब थोड़ा एक्सेलरेशन देने पे हमारी गाड़ी फोर्थ में भी आएगी। ये बात, फोर्थ में हमारी गाड़ी आ गई है दोस्तों। हम लोग 80 पे जैसे ही पहुँचते हैं हमारी गाड़ी जो है फोर्थ में चली जाती है, गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। जो लोग यहाँ तक पहुँच लिए हैं, यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिए हैं, उनको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, और इतना डिटेल में तो साथियों हमको नहीं लगता है कोई बताएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्नीशियन साथी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।